सीएम योगी आदित्यनाथ आज नवनिर्मित पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल डीजीपी इस मुख्यालय में बैठना शुरू कर चुके हैं और यहां से कामकाज भी शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि देश में ये पहला हाईटेक पुलिस मुख्यालय होगा। ये पूरी बिल्डिंग अपने आप में कई खूबियां समेटे हुए है। सिग्नेचर बिल्डिंग की नींव मई 2016 में रखी गई थी और 3 साल 2 महीने के रिकॉर्ड समय में ये बिल्डिंग पूरी होकर बनकर तैयार हो गई है। पुराने पेड़ बचाने की सीएम योगी की पहल, 100 साल पुराने पेड़ों को बचाने के निर्देश। हर पुराने पेड़ को विरासत माना जाएगा। पहले दौर में 60,000 पेड़ पहचाने जाएंगे। ग्राम सभाओं के जरिए पुराने पेड़ पहचाने जाएंगे। और आजम खान पर अब तक लगे 76 केस। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी से लेकर भैंस चोरी तक डकैती बलवा भूमाफिया क्या नहीं है आजम, और रंगदारी के भी आजम पर केस लगे हैं और कई मामलों में आजम हो सकते हैं गिरफ्तार। गोरखपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने 6 राउंड की फायरिंग और मारपीट में 2 भाई गंभीर रूप से घायल। दोनों भाइयों को मेडिकल कॉलेज करवाया गया। भर्ती सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। अमेठी में बच्चा चोरी के शक में मारपीट की गई। एक मजदूर की मौत हो गई है। 9 गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों ने पिकअप सवार मजदूरों को जमकर पीटा। सरेआम मजदूरों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने मजदूरों को ग्रामीणों से बचाया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीतापुर में सरकारी अस्पताल में मिला लापता लड़की का शव। 5 दिन से लापता थी लड़की। शव मिलने से सनसनी। रेप के बाद हत्या का शक। मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना तालगांव के अटारी का मामला। सीतापुर में पुलिस अधिकारी ने बचाई एक शख्स की जान। बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा मिला था शख्स। शख्स को पुलिस अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाकर आई और पुलिस अधिकारी सहित मौजूद सिपाहियों ने की मदद। दरोगा ने खुद स्ट्रेचर लाकर मरीज को इमरजेंसी में भर्ती करवाया। फिरोजाबाद की जसराना पंचायत का है ये मामला, जहां पर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के अंतर्गत प्रधानों से रिश्वत ली जा रही है। दरअसल जसराना पंचायत के सहायक विकास अधिकारी अरुण कुमार खुलेआम विकास कार्य की कुल धनराशि पर 2 कमीशन लेते हुए इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिष्ठित अखबार के स्थानीय संवाददाता पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही बहुजन समाज के दर्जनों लोगों ने अखबार की प्रतियां हाथ में लेकर तालबेहट बस स्टैंड पर पत्रकार का विरोध प्रदर्शन भी किया है। पार्टी और अंबेडकर समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि ये पेपर नगर के चर्चित भूमाफिया के यहां गिरवी रखा है और जनहित के बजाय व्यक्ति विशेष का समर्थन करता है। ऐसे संवाददाता तत्काल नहीं हटाया गया तो समस्त बहुजन समाज अखबार की प्रतियां बंद कर देगा और सामूहिक विरोध भी करेगा। और आज से गणेश महोत्सव का शुभारंभ, जिसकी तैयारियों को लेकर बाजार भी सजने लगे हैं। भगवान गणेश की प्रतिमाएं बिकने के लिए सजधज कर तैयार हो चुकी है और दूर दराज से आए कारीगर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को बनाने में जुटे हुए हैं। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में शिल्पकारों का जत्था कई महीने से मौजूद है। यहां एक तरफ हिंदू परंपरा के अनुसार हर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पकार तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिल्पकार द्वारा बताया गया कि मूर्तियां बनाना हमारा विशेष कला है और इसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। इन दिनों हम सभी काफी परेशान हैं, जिसका मुख्य वजह है सरकार द्वारा किसी प्रकार से ध्यान न दिया जाना। मूर्ति में लगने वाला सभी सामान अब महंगा हो चुका है। आज से जनपद में गणेश महोत्सव की धूम। नयनाभिराम पंडालों में विराजेंगे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। जय गणेश देवा की ध्वनि होगी गुंजायमान। बाजारों में सजी भगवान श्री गणेश की मूर्तियों की दुकानें। भक्तों ने भगवान को गाजे बाजों के साथ किया स्थापित। जालौन में शौच के लिए घर से निकली एक युवती का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी मच गई है। युवती के गले में दुपट्टे से फांसी का फंदा लटका हुआ था, तो वहीं मृतका के चेहरे पर चोट के निशान भी थे, और जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवती के रेप के बाद हत्या की गई हो। घटना के बाद झांसी रेंज के डीआईजी सहित भारी पुलिस बल ने मौके का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही शक की बुनियाद पर एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है। मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र का है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।